गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 8th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आज का बेटा हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। अष्टफलकीय यौगिकों में इलेक्ट्रॉन कैसे हम फिल करते हैं, कैसे भरते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी दो प्रकार के बताए थे हमने, दो तरह के बना दिए। एक जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तब, और जब लिगेंड वीक होगा तब। मतलब हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और वीक फील्ड लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है बेटा, तो टॉपिक आज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब लिगेंड स्ट्रांग हो और जब लिगेंड वीक हो, तो दोनों हम देखेंगे एक साथ, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाल लो। अब देखते हैं हम आज इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटा देखो, हमने यहां पर टेबल बना दिए, यहां पे हमने आपको टेबल बना दिया है। इस टेबल में हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दिखाएंगे। ठीक है बेटा, इस टेबल में हमने सबसे पहले डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों के संख्या लिख दिए, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे हमने देखा है। अब जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, मतलब स्ट्रांग लिगेंड फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, यहां पे दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में सॉरी, हमने क्या लिखा है, वीक लिगेंड फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीक लिगेंड फील्ड। ठीक है बेटा, ये देखा हमने। यहीं पे हम बेटा हम साथ साथ इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम सी एफ एस ई भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, हमने ये टेबल पूरी तैयार नहीं की ताकि आप सीख जाए। ठीक है बेटा, देखो हमने पहला केस ले लिया है, यदि डी में एक इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे भरा जाए, डी बल। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में बेटा, चाहे वीक लिगेंड फील्ड में, स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग में कम एनर्जी वाला टी टू जी सेट होता है और ज्यादा एनर्जी वाला ई जी सेट। इसमें भी कम एनर्जी वाले टी टू जी सेट और ज्यादा एनर्जी वाला ई जी सेट होगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप कितना ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ गैप कम होगा और यहाँ गैप ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी तो सेम होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा, और कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स तो ये तीनों हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है बेटा, इसमें इस तरह से भर दिया। यदि वीक लिगेंड फील्ड हो तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरा जाएगा। ठीक है, भर गया। सी एफ एस ई देखें, अब क्या देखना है बेटा, सी एफ एस ई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर्मूला लिखवाया था बेटा हमने, माइनस किया 0.4 डेल्टा ओ इंटू एक्स प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू वाई प्लस एम पी। ये फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला तो था, यही फॉर्मूला था आपका, यही फॉर्मूला था। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला था। अब देखो, जहां x क्या है, टी टू जी सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, देखो माइनस क्या 0.4 इंटू डेल्टा सी डेल्टा ओ इंटू टी टू जी सेट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, एक, तो एक गुणा कर दिए एक से, प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू ई जी सेट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, एक भी नहीं, इसलिए जीरो, प्लस एम पी, एम एम मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एक भी नहीं है, इसलिए ये टर्म खत्म। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेट कर लिया, 0.4 की वन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 0.4 ही आएगा, ये टर्म जीरो हो गया, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर दो जीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, माइनस के 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है बेटा, और इसे हम डी क्यू में लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्यू 4 डी क्यू। ठीक है बेटा, आप जानते हैं
डेल्टा ओ बराबर होता है टेन डी क्यू, ठीक है, या डी क्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखो डी क्यू वाला दो दो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, उससे क्या होता था सी एफ एस ई कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, उससे करते थे माइनस के फोर डी क्यू इंटू एक्स प्लस सिक्स डी क्यू प्लस सिक्स डी क्यू इंटू वाई, ठीक है, प्लस एम पी, ठीक है बेटा। एक्स बराबर टी टू जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, वाई बराबर ई जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, एम बराबर नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के युग्मों की संख्या, ठीक है बेटा। तो करो माइनस के चार डी क्यू इंटू एक्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित था टी टू जी में, एक, प्लस छह डी क्यू इंटू वाई, कितने ईजी साइड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जीरो, प्लस एमपी कुछ नहीं आएगा क्योंकि एक भी पेयर नहीं है, एक भी युग्म नहीं है, यहां तो अनपेयर्ड है, तो क्या आ गया माइनस के चार डी क्यू, ये टर्म जीरो हो गया, ठीक है, तो माइनस के चार डी क्यू आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसमें देखो इसमें भी सी एफ एस ई क्या आ जाएगा बेटा, सी एफ एस ई आ जाएगा माइनस के चार, या तो डेल्टा ओ करो तो माइनस के 0.4 डेल्टा ओ, और या डी क्यू में तो माइनस चार डी क्यू, ठीक है बेटा, सेम निकल जाएगा, कोई अंतर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तक कोई अंतर नहीं, उतार लिया बेटा, साथ साथ लिखते जाए। यदि इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, यानी कि डी टू इलेक्ट्रॉन हो, तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, अब ये नाम नहीं लिख रहे हैं आपको दिख रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक इसमें और एक इसमें। अब सी एफ एस ई निकालो, सी एफ एस ई, सी एफ एस ई बराबर क्या हो गया माइनस के बेटा डी क्यू वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हम, सिंपल है, उससे कौन निकाले 10 घंटे, ठीक है बेटा, तो माइनस के चार डी क्यू इंटू कितने से गुणा करनी पड़ेगी, दो से, दो प्लस छ इंटू कितने से गुणा करनी पड़ेगी, सॉरी सिक्स डी क्यू इंटू गुणा कितने से करनी पड़ेगी, जीरो से, ठीक है, एक भी अभी भी पेयर नहीं है तो इसलिए एमपी नहीं आया, तो चार दूनी आठ, माइनस के आठ डी क्यू, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी फिल दो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऐसे ही भरे जाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया, दो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाएंगे, तो इसकी सी एफ एस ई बराबर क्या हो गया, इसमें भी सी एफ एस ई बराबर माइनस के आठ डी क्यू आ गया, ठीक है बेटा, हो गया, दो इलेक्ट्रॉन तो निकालना सीख गए। अब बेटा मिटा देते हैं हम, डी थ्री में देखते हैं, ठीक है बेटा, डी थ्री में देखते हैं, देखो बेटा डी थ्री में देखते हैं, डी टू तक भर लिया हमने, डी टू तक हमने सी एफ एस ई भी कैलकुलेट कर ली, अब डी थ्री लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा डी थ्री, तब लिया है हमने डी थ्री, डी में डी ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन हो, तब तीन इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3, ठीक है बेटा, थ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे, इसमें भी तीन इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ठीक है बेटा। अब सी एफ एस ई बराबर क्या होगी, सी एफ एस ई बराबर क्या हो गया माइनस के चार डी क्यू इंटू टी टू जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तीन प्लस सिक्स डी क्यू इंटू ई जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जीरो, अभी भी कोई पेयर नहीं है इसलिए एमपी नहीं आएगा, तो सी एफ एस ई बराबर चार दिया 12 माइनस के 12 डी क्यू और ये टर्म हो गया जीरो, तो क्या रह गया माइनस 12 डी क्यू, ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा सी एफ एस ई बेटा, सी एफ एस ई आ जाएगा इसमें भी बेटा माइनस के 12 डी क्यू, ठीक है, हो गया। डी फोर देखें बेटा, डी फोर इलेक्ट्रॉन, अब यहां से देखो चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, डी फोर इलेक्ट्रॉन देखें बेटा, यही चेंजिंग है, यही तो देखना है बेटा, डी फोर तो चार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील है, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है मतलब गैप ज्यादा है टी टू जी और ई जी के बीच, तो क्या होगा चार इलेक्ट्रॉन 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाए या इसमें पेयर होगा,
तो बेटा आपको ज्ञात होगा, तो हमने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्या करता है, स्प्लिटिंग ज्यादा कर देता है, एनर्जी गैप ज्यादा बढ़ जाता है और ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है इसकी T2G सेट और EG सेट की। अब जब एनर्जीज में ज्यादा अंतर है बेटा जी, तब क्या होगा, पहले इनमें कंप्लीट बना जाएगा T2G सेट, उसके बाद EG सेट का नंबर आता है, ठीक है बेटा। क्योंकि हुंड ने यह बताया था समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके बढ़े जाते हैं, अब इन दोनों की ऊर्जा बहुत ज्यादा अंतर आया इसलिए इसे कंप्लीट भरेंगे और फिर उसके बाद ईजी साइड भरेंगे, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा कहां आएगा बेटा, ये देखो इसी में दिखा रहा हूं, चौथा इलेक्ट्रॉन कुछ अलग तरह से, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया लेकिन यहां पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसे होगा, चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब देखो जरा इसमें कैसी होगी, जब लिगेंड वीक हो यानी कि वीक लिगेंड फील्ड में कैसी होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें ईजी में चला जाएगा, ईजी में चला गया, ईजी में चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप कम था, क्योंकि वीक लिगेंड फील्ड कम स्प्लिटिंग करती है, दोनों के बीच एनर्जी गैप कम होता है और इन्हें हुंड की तरह हुंड के रूल से ट्रीट कर देते हैं, मतलब समान ऊर्जा वाले मान लेते हैं और समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके बढ़ जाते हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहले, ठीक है बेटा। हो गया समझ में, आ गया, इस तरह इसकी फिलिंग करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे स्पिन घटने लगे और यहाँ पे स्पिन अभी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं लो स्पिन और इसे कहते हैं हाई स्पिन, ठीक है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड सदैव क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वीक लिगेंड फील्ड सदैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो CFSE कैलकुलेट कर लो, अब अंतर आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा CFSE में, तो CFSE बराबर माइनस के 4DQ इनटू T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 प्लस 6DQ इनटू EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 0 प्लस अब MP आएगा, कितना पेयर है, एक पेयर है तो 1P लिख देंगे, 1P, अगर दो पेयर होते तो 2P, ठीक है बेटा। तो CFSE क्या हो गया, 4×16 माइनस के 16DQ प्लस 1P, ये आ गई आपकी CFSE, 16DQ प्लस 1P, या इसका मतलब 16DQ है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक पेयर है इसमें, ठीक है। अब इसकी देखें CFSE वीक लिगेंड फील्ड में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है, माइनस के 4DQ इंटू T2G सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है बेटा यहाँ पे देखो जरा, 3 प्लस 6DQ इंटू EG सेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, इसमें एक भी पेयर नहीं है इसलिए MP नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 4×12DQ माइनस के 12DQ प्लस के 6×6DQ माइनस के 12DQ और प्लस के 6DQ, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि साइन एक दूसरे के क्या है, समान नहीं है, साइन समान नहीं है तो सदैव घटेगी चीज, क्या होगा, घटेगा और घटता सदैव ज्यादा में से कम है, तो 12 में से गया 6 बचा, लेकिन बचता क्या है, बचता सदैव वह है जो ज्यादा होता है बेटा, ठीक है। आपके पास उधार के 20 रुपए थे, ठीक है, उधार के 20 रुपए थे और आप पे 10 रुपए कहीं से आ गए, मतलब 10 रुपए आपके हो गए, तो आप अब बताएं उसे देने के बाद आप पे कितने रुपए बचेंगे, ठीक है बेटा। 12 रुपए उधार के थे, 10 रुपए आप पे कहीं से आ गए, तो आप पे 2 रुपए और बचेंगे, काहे कि उधारी के बेटा, 10 रुपए उसे दे के भी, ठीक है। तो उधारी के मतलब माइनस के बचे ना, तो घटे तो चीज लेकिन बचेगी कौन सी, जो चीज ज्यादा हो, तो 12 में चल गया कितने बजे, 6 माइनस के 6DQ, ठीक है बेटा जी, हो गया इसका आंसर। तो देखो CFSE चेंज आने लगी, इसमें माइनस के 16DQ प्लस 1P, इसमें माइनस के 6DQ, हो गया। अब D5 हो, D में 5 इलेक्ट्रॉन हो तब, देखे बेटा D5 हो तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, देखे आप बेटा, देखो आप 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 4 डॉटेड से 5, ताकि आपको लगे कि 5 इलेक्ट्रॉन और चौथा इसमें, इसे पेयरिंग हुई है, ठीक है बेटा। अब लेकिन इसमें देखते हैं हम तो क्या होता, देखो इसमें क्या होता, इसमें ये होता बेटा, वीक लिगेंड फील्ड में
1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बेटा, अब देखें बेटा, सी एफ एस सी बराबर क्या होगा, माइनस के 4 डी क्यू इंटू टी टू जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 6 डी क्यू इंटू ई जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं 0 प्लस एम पी यहाँ पे आएगा कितने पेयर कितने 2 तो 2p लिख दो सीधा बेटा 2p क्योंकि m नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं इसीलिए 2p लिख दिया तो सी एफ एस बराबर आ गया माइनस के 4 पंजे 20 डी क्यू इन प्लस प्लस 0 टर्म हो जाएगा इसका तो ये तो 0 और प्लस 2p तो माइनस के 20 डी क्यू बेटा क्या आया माइनस के 20 डी क्यू प्लस 2p ये आ गई आपकी सी एफ एस सी। ठीक है बेटा अब देखें डी फाइव कायम है वीक लिगेंड फील्ड में तो यहाँ पे हमने भरना देख लिया अब सी एफ एस सी यहाँ पे देखें तो सी एफ एस सी बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी क्या हो गया बराबर माइनस के 4 डी क्यू इंटू टी टू जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने 3 प्लस 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 के 6 डी क्यू इंटू ई जी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने 2 इसलिए गुणा 2 प्लस पेयर कुछ भी नहीं है इसलिए एमपी कुछ नहीं आया अभी भी तो क्या हो जाएगा 4 3 12 डी क्यू माइनस के प्लस के 6 2 12 डी क्यू। अब बेटा एक बात क्लियर हो गई माइनस प्लस माइनस और 12 में से 12 गए 0 तो सी एफ एस सी बराबर 0 बेटा सी एफ एस सी बराबर 0 यहाँ पे सी एफ एस सी 0 यहाँ पे सी एफ एस सी माइनस के 20 डी क्यू इंटू प्लस 2p। ठीक है बेटा तो इतना अंतर आया बेटा देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड में यहाँ पे डी फाइव में जो वीक लिगेंड फील्ड था उसमें सी एफ एस सी 0 आ रही है और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड था उसमें सी एफ एस सी माइनस के 20 डी क्यू आ रही है। ठीक है बेटा अब आपको ये उतारना है। ठीक है बेटा अब आगे और करवा रहे देखो साथ साथ एक साथ लिखवाते जाएंगे उतार लिया मिटा देते हैं इस तरह से बेटा हमने D5 यानी कि D में यदि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड तथा वीक लिगेंड फील्ड दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड दोनों में। अब देखते हैं हम यदि D में 6 इलेक्ट्रॉन हो तब यानी कि D6 इलेक्ट्रॉन हो तब हम क्या करते हैं। ठीक है बेटा तो देखो जरा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या उसकी सी एफ एस सी होगी। तो देखो बेटा डी में आप कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 यानी कि D6 हो तो कैसे भरा जाएगा तो यही तो थे बेटा ये था आपका T2G और ये था आपका EG तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा पेयरिंग होगी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब वीक लिगेंड फील्ड में कैसा होगा वीक फील्ड लिगेंड में ये नहीं होगा बेटा वीक लिगेंड फील्ड में पहले 5 डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है यानी कि T2G और EG साइड दोनों में उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी बेटा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6 पेयरिंग हुई। ठीक है बेटा सी एफ एस सी देखना जरा सी एफ एस सी बराबर माइनस के 4 डी क्यू इंटू T2G साइड पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 6 डी क्यू इंटू EG साइड पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है तो 0 प्लस कितने पेयर हैं 3 पेयर है तो 3p तो कितना आंसर हो गया 4×6=24 माइनस के 24 डी क्यू प्लस ये टर्म 0 हो गया 6 डी क्यू गुणा 0 मतलब 0 तो 3p बचा माइनस के 24 डी क्यू प्लस 3p। ठीक है बेटा माइनस के 24 डी क्यू प्लस 3p ये आ गया आपका सी एफ एस सी। इसमें सी एफ एस सी देख लो बेटा सी एफ एस सी बराबर देखें बेटा सी एफ एस सी बराबर माइनस के 4 डी क्यू इंटू माइनस के 4 डी क्यू इंटू इतना कितने इलेक्ट्रॉन है T2G साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने 2, 3, 4 प्लस 6 डी क्यू इंटू
ईजी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने? दो। समझ में आया बेटा? तो कितने हो गए? चार चौक 16 माइनस के 16 डी क्यू और प्लस के 6 दूनी 12 डी क्यू। ठीक है बेटा। अब पेयर कितने हैं? प्लस 1 पी भी आएगा, 1 पी क्योंकि यहाँ पे पेयर एक प्राप्त हो गया। ये है एक पेयर, ये एक पेयर दिख रहा है इसलिए 1 पी प्लस 1 पी भी आ गया। ठीक है, 1 पी या केवल पी कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो 16 में से 12 घटाए कितने बचे? माइनस के 4 डी क्यू प्लस 1 पी। ये आपकी सी एफ एस सी आ गई, माइनस के 4 डी क्यू प्लस 1 पी। ठीक है बेटा। अब हम ये फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे माइंडली। ठीक है, आपको हमने 6 बार सीएफएससी का फॉर्मूला लगा लगा कर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड में समझाया बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो D7 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? देखो D7 ये थे आपके D7 हो गए, कैसे हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7। अब आना स्टार्ट हुआ है, सातवां इलेक्ट्रॉन आया है बेटा, ये सातवां। तो सीएफएसी बराबर क्या होगा? माइनस के 4 डी क्यू इंटू 6 प्लस के 6 डी क्यू इंटू 1 प्लस के कितने पेयर? 3 पी। सीधा कर दिया हमने तो सीएफएसी ऐसे 4 चंग 24 डी क्यू माइनस के और प्लस के 6 का 6 डी क्यू प्लस 3 पी। ठीक है बेटा। तो क्या आ गया? माइनस के 24 और प्लस के 6 मतलब 24 में 6 गया 18, माइनस के 18 डी क्यू, माइनस के 18 डी क्यू, 6 चौक 24 6 18। ठीक है, माइनस के 18 डी क्यू प्लस 3 पी। ये हो गया आपकी सी एफ एस सी। इसमें देख ले बेटा D7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। देखो दिख रहा है, दिख रहा होगा बेटा जी, दिख रहा है आपको? ये देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब D7 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे भरे? तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा। तो CFSC निकाल लो इसमें, माइनस के 4 डी क्यू इंटू कितने इलेक्ट्रॉन से गुणा करूं? T2G साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 प्लस 6 डी क्यू इंटू कितने से गुणा करूं? EG साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बराबर सॉरी प्लस कितने डी क्यू सॉरी कितने पी लिखूं? तो जितने पेयर इतने पी लिखो, 2 पेयर है तो 2 पी लिख दो। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 4 5 20 और 6 2 12। तो 20 में से 12 घटाएंगे कितने बचेगा? माइनस 8 डी क्यू, डायरेक्ट कर दिया माइनस 8 डी क्यू प्लस 2 पी। ठीक है बेटा, 4 5 20 डी क्यू माइनस के हो जाएंगे, 6 2 12 डी क्यू प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 20 डी क्यू में से प्लस के 12 डी क्यू घटाएंगे तो 8 डी क्यू माइनस के बचेंगे। ठीक है बेटा, ये होगा इसकी सी एफ एस सी। अब D8 इलेक्ट्रॉन हो तब क्या हो बेटा? इलेक्ट्रॉन D8 हूं, डी में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कैसे भरेंगे? तो ऐसे भरेंगे बेटा, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे भरेंगे? उस तरह से भरेंगे बेटा, 1 2 3 ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा। अब देखो सी एफ एस सी बराबर माइनस के चार डी क्यू इंटू कितने से गुणा करूं? T2G साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों से तो 6 ही है यहाँ पे, तो प्लस 6 डी क्यू इंटू कितने से गुणा करूं? गुणा कितने से करूं? ईजी साइड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 प्लस कितने पी लिखूं? जितने पेयर हैं 3 पेयर हैं तो अभी भी 3 पी। ठीक है बेटा। तो कितने होगा? 4 6 24 माइनस के 24 और 6 2 12 तो 24 में से 12 घटेंगे तो 12 बचेंगे काय के? माइनस के। तो माइनस के 12 डी क्यू प्लस कितना? 3 पी। ये हो गया आंसर, सी एफ एस सी आ गई। ठीक है, माइनस के 12 डी क्यू प्लस 3 पी। ठीक है बेटा। अब इसमें देखें, इसमें अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन देखो वीक लिगेंड फील्ड में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? फिलिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वीक लिगेंड फील्ड ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। देखो जरा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, पेयर अभी भी 3 आए हैं, दोनों 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल सेम आई ना बेटा,
एट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बिल्कुल सेम आई। तो सी एफ एस सी देखते हैं, तो सी एफ एस सी भी क्या आना चाहिए, सी एफ एस सी क्या देखेंगे भाई, सी एफ एस सी बराबर माइनस के चार डी क्यू, तो सी एफ एस सी बिल्कुल सेम आ जाएगी, यानी कि माइनस के बारह डी क्यू प्लस थ्री पी, यानी कि आठ इलेक्ट्रॉन हो डी एट में, तो चाहे वो वीक लिगेंड फील्ड हो बेटा, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, दोनों में सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बराबर आएगी, अर्थात माइनस के बारह डी क्यू प्लस थ्री पी आएगी ही आएगी। देखो चाहे माइनस जीरो माइनस के फोर डी क्यू इंटू सिक्स चार छंग चौबीस प्लस सिक्स डी क्यू इंटू टू छह दूनी बारह चौबीस डी क्यू और बारह डी क्यू माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस के बारह डी क्यू प्लस थ्री पी, ठीक है बेटा ये उतार लीजिए। अब केवल डी नाइन और डी टेन इलेक्ट्रॉन, डी नाइन और डी टेन इलेक्ट्रॉन सॉरी, अब बेटा केवल डी नाइन और डी टेन इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे फिल करने के लिए, ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये उतार लीजिए अब मैं मिटा लेता हूं, ठीक है बेटा। अब देखो डी नाइन और डी टेन, डी नाइन और डी टेन, ठीक है बेटा। अब देखें आप डी नाइन और डी टेन इलेक्ट्रॉन, डी नाइन और डी टेन, अब बेटा डी नाइन इलेक्ट्रॉन है डी नाइन, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में कैसे भरे जाएंगे देखो जरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है बेटा, ठीक है नाइन हो गया। अब बेटा इसमें नौ इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इसमें नौ इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेम भरे जा रहे हैं बेटा। अब देखो सेम लग रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करे हमने अलग अलग है, एक दो तीन चार पाँच छ ऐसे सात आठ फिर नौ, इसमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है बेटा डिस्ट्रीब्यूट हमने करे अलग है लेकिन दिख रहे हैं एक, ठीक है तो सी एफ एस सी बराबर कितना हो जाएगा, सेम ना आएगा बेटा, सेम 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 कितनी आएगी सेम, तो सी एफ एस सी बराबर जो भी आएगी वो बराबर आएगी, तो माइनस के चार डी क्यू इंटू सिक्स चार छम चौबीस माइनस के और छह तिया अठारह यानी कि छह डी क्यू माइनस के सिक्स डी क्यू आने वाली है आपकी प्लस कितने पे यार फोर पी माइनस के सिक्स डी क्यू प्लस फोर पी आ गई आपकी सी एफ एस सी कैलकुलेट करके दिखाएं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या आएगी सी एफ एस सी, यहाँ पे भी बेटा बिल्कुल सेम आएगी यानी कि माइनस के सिक्स डी क्यू प्लस फोर पी, ठीक है बेटा यही आएगी आगे। अब देखो अब डी टेन हो तब क्या हो, डी टेन में तो बेटा कैसी भर लो आप इलेक्ट्रॉन, पांचों ऑर्बिटल भरे ही जा रहे हैं, तो देखते हैं देखो इसमें कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे भरे हुए, सेवन एट नाइन टेन इसमें कैसे भरे होंगे, इसमें इसमें बेटा इस तरह से भरे गए होंगे आपके, इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है बेटा। सी एफ एस ई भी सेम आने वाली है, अब कितनी आने वाली है ये देखते हैं, सी एफ एस ई बराबर कितनी आ गई बेटा, सी एफ एस ई बराबर क्या आई, सी एफ एस ई बराबर माइनस के चार छम चौबीस माइनस के चौबीस डी क्यू और प्लस के छ चौक चौबीस डी क्यू, पेयर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पी, केवल सी एफ एस ई क्या आई जीरो जीरो क्या आई जीरो सी एफ एस ई प्लस में फाइव पी, तो केवल क्या सकते हैं फाइव पी आई, केवल फाइव पी सी एफ एस ई में कुछ नहीं ज्ञात हुआ, केवल हमें पांच पेयर दिखे, यहां पे भी सी एफ एस ई क्या आ जाएगी सी एफ एस ई बेटा सी एफ एस ई जीरो आ जाएगी, सी एफ एस ई जीरो आ जाएगी जीरो पेयर पांच आ जाएंगे फाइव पी, ठीक है बेटा तो पेयर तो पांच है लेकिन सी एफ एस ई जीरो है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आज हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी इलेक्ट्रॉन कैसे क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वितरित करते हैं यह सीखा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो, और आज हमने इन सभी में क्या निकाल लिया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करके देखी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डी इलेक्ट्रॉन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, ठीक है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और वीक लिगेंड हो तब, ठीक है, और सीएफएसई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा जी।